हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं, ये नेहरू मेमोरियल के नाम से जाना जाता था और यहाँ पर हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी अपनी मृत्यु तक यानी 16 साल तक इस आवास में रहे थे। इसको तीन मूर्ति आवास या तीन मूर्ति कह सकते हैं आवास भी कहा जाता है। अब इसका नाम टू बिकम पीएम म्यूज़ियम यानी पीएम संग्रहालय होने जा रहा है। तो देखिए, क्या है ये न्यूज़ और क्या ऐसी बातें हैं जो इसके रिगार्डिंग आपको जानना चाहिए। देखिए, काफ़ी विरोध भी हो रहा है क्योंकि माना जा रहा है कि जो पीएम मोदी हैं वो नेहरू गांधी परिवार से इतना ज़्यादा कह सकते हैं लिंक नहीं करते इन चीज़ों को, इसलिए वो पूरा नाम जो है नेहरू गांधी परिवार का जो अभी है चेंज करना चाहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था उसका नाम भी चेंज किया गया था। अभी जो नेहरू मेमोरियल दिल्ली में है वो पीएम म्यूज़ियम होने जा रहा है। तो देखिए, इसी वीडियो में हम इन सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। द नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम A legacy of Nehru Gandhi family has been expanded as Pradhan Mantri Sangrahalaya to showcase the life and times of not only the first PM Jawaharlal Nehru but all his successors. देखिए, अब ये जो है पहले केवल एक जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता था और उन्हीं के कह सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं का आइटम था वहाँ पे। देखिए, वहाँ पे जो कह सकते हैं महात्मा गांधी जी के पत्र थे, जवाहर जेपी के पत्र थे, अगर आप देखें वहाँ पर कुछ अंबेडकर या जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, उन यानी बहुत सारे कह सकते हैं वहाँ पर अवेलेबल थे, लेकिन मेनली जो है ये नाम पे था उनके पे और मोस्टली उन्हीं की लाइफ और उनके ही इमेजेस वगैरह जो कह सकते हैं फ़ोटोज़ वगैरह ज़्यादा थे वहाँ पर। तो अभी वो केवल जो है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम नहीं रह जाएगा, अब प्रधानमंत्री संग्रहालय बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि ओनली फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू ही उसमें नहीं दिखाए जाएंगे, नहीं रहेंगे, बल्कि जो उनके सक्सेसर्स थे यानी अभी तक जो टोटल 14 प्रधानमंत्री हैं उन सब के बारे में वहाँ पे आपको डाटा मिलेगा। तो ये जो है आपका बिल्ट एट तीन मूर्ति स्टेट पीएम म्यूजियम विल बी इनोग्रेटेड ऑन अप्रैल 14 अप्रैल को इनोग्रेशन किया जाएगा इसका ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। द न्यू कंस्ट्रक्शन हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद द ओल्ड बिल्डिंग विच सर्व्ड एज द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम। यानी जो नई जो कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन है वो पुरानी बिल्डिंग के ही बना जा रही है। बी आर अम्बेडकर इज ऑल्सो जो एक्चुअली दिल्ली में बी आर अम्बेडकर म्यूजियम भी बन रहा है जिसका कह सकते हैं इनोग्रेशन भी 14 अप्रैल को ही किया जाएगा। अब थोड़ा बात करते हैं हम तीन मूर्ति भवन नई दिल्ली में, जो दिल्ली में तीन मूर्ति भवन है या उसको तीन मूर्ति हाउस बोल सकते हो, पहले उसको फ्लैग स्टाफ हाउस कहा जाता था, इज द फॉर्मर रेजिडेंस इन न्यू दिल्ली ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। ही स्टेड देयर फॉर 16 ईयर्स अंटिल हिज डेथ ऑन 27 मई 1964। इट वॉज डिज़ाइंड बाई रॉबर्ट टो रशल, जो ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, उन्होंने कनेट पैलेस और जो राजपथ पे कह सकते हैं जनपथ में ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोर्ट्स हैं उनके कह सकते हैं यहाँ पे आर्किटेक्चर किया था, तैयार किया गया था। द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इज ए म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इन न्यू दिल्ली इन इंडिया विच एम्स टू प्रिजर्व एंड रिकॉन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। यानी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो थी उसकी हिस्ट्री को प्रिजर्व एंड रिकॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए इसको बनाया गया था। हाउस्ड विद द तीन मूर्ति हाउस कॉम्प्लेक्स, इट इज़ एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। यानी सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत इसको है ये, और इसकी जो स्थापना है 1964 में की गई थी आफ्टर द डेथ ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। इट्स एम टू फोस्टर एकेडमिक रिसर्च ऑन मॉडर्न एंड कंटेम्प्री हिस्ट्री। यानी समकालीन और जो आधुनिक कह सकते हैं इतिहास है उनके ऊपर आप कह सकते हैं रिसर्च या एकेडमिक रिसर्च है, उसके उद्देश्य से इसको बनाया गया था। अब देखिए जो करंट सिनेरियो वो क्या कहता है। पीएम मोदी का कहना है कि ऑल पीएम्स कॉन्ट्रीब्यूटेड मस्ट एक्नोलेज देम। कि देखिए, सभी पीएम्स का देश में योगदान है तो क्यों एक अकेले पीएम को या फर्स्ट पीएम को याद किया जाए, सभी को याद करने के लिए
हम ये काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, इट इज़ द ओनली पार्टी इन ऑफिस विच हैज़ रिकॉग्नाइज्ड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरी पीएम बाय बिल्डिंग ए म्यूजियम टू ऑनर देम। ही शेयर डिटेल्स ऑफ द रिफर्बिश्ड म्यूजियम। तो देखिए ये है, अगर आप देखेंगे टोटल इसका व्यू, तो देखने से काफ़ी अच्छा सुंदर लग रहा है आपको। All the PMs have made contribution to the country's success and we must acknowledge them. देखिए सभी PMs ने देश की सक्सेस में योगदान दिया है, contribution दिया है, हमें उन सबको याद करना चाहिए, acknowledge करना चाहिए। तो देखिए ये जो है 10,000 स्क्वायर मीटर एरिया में बन रहा है, कॉस्ट जो है इसकी 271 करोड़ रुपीज़ है और इसकी जो कह सकते हैं अप्रूवल जो है 2018 में मिल गया था। हालांकि इसको 2021 अक्टूबर में बनकर रेडी हो जाना था, लेकिन ये डिले हुआ कोविड की वजह से, और भी सारी पॉइंट्स यहाँ पर थे। तो देखिए अभी जो हैगा यहाँ पे जो 14 प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं फॉर्मर, यहाँ पे उन सबको स्थान दिया जाएगा। क्या क्या मिलेगा आपको? उनके रेयर फोटोग्राफ्स मिलेंगे, स्पीचेस मिलेंगी, वीडियो क्लिप्स मिलेंगी, न्यूज़पेपर्स मिलेंगे, इंटरव्यूज़ मिलेंगे, ओरिजिनल राइटिंग्स मिलेगी, यानी जो भी उनकी ऐसी चीज़ें होंगी वो यहाँ पे आपको सब मिलेंगी। इतना स्पेस इतना बनाया गया है इसमें कि हर पीएम को वहाँ पे उनके कार्यकाल के अनुसार स्पेस मिल सके। काफ़ी ज़्यादा कार्यकाल रहा होगा तो ऑब्वियस ही बात है उनके जो इमेजेस होंगे, उनके जो वीडियो लेक्चर्स होंगे, उनके जो न्यूज़पेपर में कटिंग्स होंगी वो भी ज़्यादा होंगी, तो इसलिए उनको स्पेस ज़्यादा दिया जाएगा। बीजेपी हैज़ बीन एक्यूजिंग कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ हाईलाइटिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनली द गांधी नेहरू फैमिली। मोदी हैज़ बीन अटैकिंग डायनेस्टी पॉलिटिक्स, जो वंशवाद की परंपरा है उसको बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, सेइंग इट वायलेट्स द स्पिरिट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी राजीव गांधी खेल रत्न का अवार्ड का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया था अगस्त 2021 में। ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, तो देखिए अभी क्या है, अभी 6 अप्रैल को आपने देखा होगा कि बीजेपी का फाउंडेशन डे था, तो 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक क्या कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। एक तरह से मांग सकते हैं कि एक पूरी श्रृंखला होगी इवेंट्स की, और 14 तारीख को इसका क्या है इनोग्रेशन किया जाएगा। Sources also indicate that two prime ministers, former prime ministers who are still alive, देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह और एस डी देवगौड़ा, आर लाइकली टू बी स्पेशली इन्वाइटेड फॉर द ओकेजन। तो इस स्पेशल ओकेजन के लिए उनको भी एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाएगा, ऐसे सोर्सों के हवाले से खबर मिल रही है। तो देखिए टोटल बात यह है, ये अपना पक्ष और विपक्ष हो सकता है कि कांग्रेस के अपने पॉइंट्स हैं कि आप नेहरू के नाम से क्या प्रॉब्लम है, उनका कहना अपनी जगह सही है। देखिए उस टाइम जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, उन्होंने जो योगदान हुआ बहुत अच्छी बात है, बट अगर उनके साथ साथ हम और भी जो 13 प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको भी ऐड कर देते हैं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं होनी चाहिए, ये एक अच्छा कदम है। देखिए विदेशों में भी क्या है, फॉरेन कंट्रीज़ में भी अगर आप अमेरिका वगैरह में जाएंगे तो वहाँ भी उनके राष्ट्रपति भवन में जाएंगे तो वहाँ पे जो भी राष्ट्रपति होते हैं उनके वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्या है लगी होती हैं, उनके बारे में बताया जाता है, एक तरह से म्यूजियम टाइप में वो सब बना के रखते हैं। तो यही एक अच्छा कदम है और इसकी सराहना की जानी चाहिए। चलिए फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।